पढ़ने जा रहे हैं सोशल स्टडी, जिसमें आप 3 खंडों में बांटा गया, सोशल हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। और उसमें हम हिस्ट्री में ज्योग्राफी का लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का पहला लेसन का नाम है, पहले चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। हम अपने वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो वातावरण की बात आते ही हमें जानना हो वातावरण होता क्या है। नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट है क्या? द प्लेस, प्लेस, पीपुल्स, थिंग्स एंड नेचर्स दैट आर सराउंडेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कहने का मतलब इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म है, जिसके जो जगह स्थान से या लोगों से या चीजों से या प्रकृति के आसपास जो भी चीज है, जिससे घिरा हुआ है, वह आसपास की जितनी भी चीज है, वो सभी एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं, यानी उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। द प्लेस, पीपुल्स, थिंग्स एंड नेचर्स दैट सराउंडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। आगे देखते हैं। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ। और वो एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड द एयर, हमें यह हवा प्रदान करता है। विपरीत, जो हम सांस लेते हैं। द वाटर, हमें पानी प्रदान करता है। कौन? एनवायरनमेंट। यहाँ पे हमने बोला उस सारी चीज। और मान लीजिए हम और जीव हैं, हमारे आसपास जो भी चीज है, वो सभी एनवायरनमेंट के पार्ट होंगे। या तो जगह हो, या पीपुल्स हो, या कोई भी चीज, थिंग्स हो, या फिर नेचर्स हो, डेट सराउंडेड एनी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म, या फिर हमें कोई भी चीज आसपास से घेरा है, वो सारे चीज सराउंडेड जिनसे हम हैं, वह हमारा एनवायरनमेंट है। ये हमारा वातावरण हुआ। इट इज, इट प्रोवाइड, और ये एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड एयर, हमें हवा प्रदान करता है। वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं। द वाटर, पानी प्रदान करता है। वी ड्रिंक, हम पीते हैं उसे। द फूड, हमें खाना प्रदान करता है। वी ईट, जिसे हम खाते हैं। एंड द लैंड, हमें जमीन प्रदान करता है, भूमि। वी लिव, जहाँ पे हम रहते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि ये सारी चीज हमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अच्छे से, सुचारू ढंग से, अपने एनवायरनमेंट में सुटेबल तरीके से, अच्छे से जीवन को चला पाते हैं, अच्छे सुचारू ढंग से चला पाते हैं। मान लीजिए कि आपको जो एनवायरनमेंट है, आपको सही से सपोर्ट ना करे और उसमें आपको कठिनाइयां हो, तो आप सही से हमें सरवाइव करना पड़ सकता है। यानी उस कहने का मतलब कि हमें बहुत सारी चीज, अगर पानी की कम किल्लतें हो जाए तो हमें बहुत काफी कठिनाइयां होंगी। एयर्स की कमी हो जाए तो कठिनाइयाँ होंगी। खाने की कमी हो जाए तो कठिनाइयाँ होंगी। या फिर जो भी संसाधन, जो भी है हमारे आसपास, उन सभी में से किसी भी चीज़ की कमी हो जाए तो हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी घोड़े को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं और उसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए, 1 महीने, 2 महीने के लिए छोड़ने के बाद देखते हैं कि उसके हिसाब से वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वह उसके लिए सुटेबल नहीं था, जिस कारण वह घोड़ा वहाँ पे जितना अधिक उसका ग्रोथ होना चाहिए था, जैसा उसका हेल्थ होना चाहिए था, वो उस हिसाब से बेहतर हेल्थ नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उसके लिए सुटेबल नहीं था। एज कम्पेयर टू कैमल, ऊँट वहाँ पे सही ढंग से, वहाँ पे अपना सुचारू रूप ढंग से अपना जीवन चला पाता है, मगर रेगिस्तान में, डेजर्ट जोन में पानी या फिर बहुत सारे चीज, फसल, घास या फिर बहुत सारे चीजें की कमी होती है, जिस कारण से वहाँ पे घोड़ा सही से अपना जीविकोपार्जन का काम नहीं कर पाया। मतलब अपना जीव, अपना रोजमर्रा का काम सही से नहीं कर पाया, उसको भोजन सही से नहीं मिल पाया, जिससे उसका हेल्थ डाउन हो गया। अब उसी घोड़े को हम छोड़ देते हैं फॉरेस्ट में या फिर कोई
घास वाले बगीचे में या फिर अच्छे जगह पे एक बीस एक 1.5 महीने 2 महीने 1 महीने के लिए, तो उसको देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि वो घोड़ा चुस्त दुरुस्त और तगड़ा हो गया। क्यों, आखिर क्यों ऐसा हुआ? कारण हो सकता है कि उसे वहाँ का एनवायरनमेंट सूट किया, वहाँ उसके हिसाब से वहाँ पे उसको हरा भरा होने के चलते ऑफकोर्स वहाँ वाटर का कमी नहीं होगा, वहाँ पे ग्रासेस थे वो अच्छे से खाना अच्छे से खा सकता था, मतलब हर एक चीज उसको फैसिलिटी वहाँ मिलने लगी, जिसके चलते वो अच्छे से वहाँ पे जीने लगा, अपना लाइफ को अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से चलाने लगा। मगर वहाँ पे घोड़े को सरवाइव करना पड़ रहा था रेगिस्तान में यानी डेजर्ट जोन में, मगर यहाँ पे इसको सही। तो इन्वायरमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हो उसे हम इन्वायरमेंट कहेंगे। आगे देखते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। यह इन्वायरमेंट है नेचुरल, नेचुरली भी चीजों का भी मिक्सअप है, और यह ह्यूमन से द्वारा बने हुए चीजों का भी यह मिक्सअप है, जिसका एग्जाम्पल आप अभी देख सकते हैं लॉकडाउन के चलते। जो भी ह्यूमन फेनोमेना में हम लोग जितनी सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं मिली हुई थी, घर से बाहर जाकर के बहुत सारे चीजों को, हमें कहीं जाना हो या आना हो तो हमारे पास गाड़ी की व्यवस्था थी या फिर जो भी थी, ये थी है अभी भी है, मगर अभी हम उस चीज को उपयोग नहीं कर पा रहे, बंद ही बंदे से एहसास कर रहे हैं। तो ह्यूमन फिनोमेना या फिर ह्यूमन से रिलेटेड जो भी इन्वायरमेंट हमें मिला था, या ब्रीज हो, ब्रीज का हमें अभी उपयोग नहीं कर रहे, कारण है कि हमें कहीं जाना नहीं है। तो वो सारी चीज जो ह्यूमंस के द्वारा बने हैं या ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट के पार्ट होंगे, और नेचुरल एनवायरनमेंट यू नो एयर वाटर एंड लैंड्स, दिस ऑल आर कह सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट्स। आगे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में क्या आएगा। नेचुरल, नेचुरल एनवायरनमेंट्स में आ जाएगा आपको, देखिए क्या एटमोस्फियर, एटमोस्फियर होता क्या है? एटमोस्फियर, एटमोस्फियर का मतलब एटमोस्फियर, यह वर्ड एयर वर्ड से बना हुआ है, एटमो मतलब होता है एयर, और ये एयर वर्ड से बना हुआ है, जहां पे हवा हो, जहां पे हवा हो उस वर्ड्स जिस जगह जिसके आसपास जो भी हो वो एटमॉस्फेयर, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ जो है हवाएं हैं, एक कह सकते हैं एक बैंकेट की तरह चारों तरफ घिरा हुआ यह पृथ्वी है, तो चारों तरफ हमारे आसपास ये हवा से घिरा हुआ है, यानी इसके चारों तरफ हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो भी है हवाएं हैं वो एटमॉस्फेयर है। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इट मीन्स हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी वो स्फीयर जो जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे जिस जगह पे पानी हो वो हाइड्रोस्फीयर का भाग होगा, एग्जाम्पल ओशन, सी, रिवर, लैक्स, ये सभी हाइड्रोस्फीयर के पार्ट होंगे। लिथोस्फीयर, लिथो आप जानते हैं पहले क्लासिक्स में आपने पढ़ा था, लिथो पहले लैथिकल इज, न्यू लैथिकल इज, न्यू मतलब नया, लैथिक मतलब स्टोन, लैटिक मतलब स्टोन यानी स्टोन, वैसा जगह जहाँ पे स्टोन्स हो, यानी लैंड में ही स्टोन हो सकते हैं, और लैंड यानी मिट्टी वाले जो जगह होंगे वो लिथो का मतलब होता है लैंड, या फिर स्टोन कह सकते हैं, लिथो मतलब स्टोन होगा। तो वैसा जगह जहाँ पे स्टोन्स हो, मिट्टी हो, सॉइल्स हो, यह सभी क्या कहते हैं उस जगह को लिथोस्फीयर कहते हैं। और आप जानते ही हैं कि सॉइल होता है स्टोन से ही बन रही है, लैंड से ही मतलब रॉक से ही बनते हैं, स्टोन से ही बनते हैं वो, धीरे धीरे ड्यू टू टेम्परेचर और वेदर का इफेक्ट पड़ने के चलते वो धीरे धीरे उसमें चेंजेस होने लगते हैं। आगे देखते हैं, उसके बाद आता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जहाँ बायो का मतलब होता है लाइफ, जहाँ पे जीवन हो वह स्फीयर, उसे हम बायोस्फीयर कहेंगे।
उसमें आगे हम विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में क्या आता है? क्या इंसानों के द्वारा जो भी चीज़ बने हैं, बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स, ये सभी बिल्डिंग्स भी इंसानों के द्वारा बना हुआ है, और यह धीरे धीरे रोड्स है, पार्क है, इंडस्ट्री, ये सारे चीज धीरे धीरे हमारे इसकी जरूरत पे डिपेंडेंट इतने हो गए हैं, जिसके चलते हमें यह इन्वायरमेंट का भाग हो गया, और यह एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हो चुका है, और इसे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहेंगे। आगे देखते हैं, ह्यूमन के द्वारा और भी कुछ है, जैसे ह्यूमन ने ही बनाया इसे, ये तो इंसानों के द्वारा ये बनाई हुई चीज है, मगर इंसानों के बाद ये कुछ और भी चीज है। इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, ये इंसानों के रहने, उठने, बैठने के चलते फैमिलीज फॉर्म होते हैं। उनमें कोई आदमी इंडिविजुअली रहना चाहते हैं, वो इस चीज हो गया, कम्युनिटी एक बन जाना, या फिर रिलीजन्स का फॉर्मेशन होना, धर्म का, एजुकेशनल का, या फिर इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पे, ये सारे चीज इंसानों के द्वारा जो भी आसपास के एनवायरनमेंट में जो चीज इन चीज का फॉर्मेशन हुआ है, यह ह्यूमन एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं। आगे देखते हैं, बायोटिक। बायोटिक होता क्या है? बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट वैसा कंपोनेंट जहाँ पे बायो का मतलब ही होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो बायोटिक कंपोनेंट इट कंपोज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें वो सारे चीज होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, वो सारे चीज होते हैं जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी बायो का मतलब ही होता है लिविंग, लाइफ। और बायोटेक कंपोनेंट में वो सभी चीज इट कंप्राइजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल्स भी इसके पार्ट्स है, प्लांट और एनिमल इसके पार्ट्स हो जाएंगे, जैसे पौधे और जानवर बायोटेक्स हैं, ठीक है। और इसको बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, बायोटेक इन्वायर कॉम्पोनेंट्स को, या फिर इसे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स का ये पार्ट है, ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी अगर करते हैं तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंप्राइज बायोटेक कॉम्पोनेंट्स। कोई अगर पूछता है कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है क्या, तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज कंप्राइजेस ऑफ बायोटिक कॉम्पोनेंट। बायोटिक कॉम्पोनेंट क्या है? बायोटिक कॉम्पोनेंट इज कंप्राइजेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट है एनिमल्स। ओके, आपको नहीं समझ में आया तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं। कहने का मतलब है कि बायोटिक कंपोनेंट मिल करके बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को फॉर्मेशन करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट मिल करके बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है क्या। और कोई पूछता है आपसे कि बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तो आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि यह मिल करके बना हुआ है बायोटिक कंपोनेंट्स का, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बायोटिक कंपोनेंट से मिल करके बना हुआ है, बायोटिक कंपोनेंट। फिर बात आता है, आप बोल सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट है क्या, फिर तो बायोटिक कंपोनेंट का आप एग्जांपल दे सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल से मिल करके बना हुआ है, या फिर कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट क्या है, इट कंप्राइजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का को हम बायोटिक कंपोनेंट कह सकते हैं। उसी तरह ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट, जब बायोटिक को हम लिविंग कहते हैं तो ए बायोटिक हो जाएगा, तो नॉन लिविंग की बात आएगी, इट मीन्स इट कंप्राइजेस ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, यह नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हो सकता है, वैसे और सॉरी एलिमेंट, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं, नॉन लिविंग एलिमेंट,
इट कंप्राइजेज ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में या एलिमेंट्स के बारे में बोला जाएगा ऑफ एनवायरमेंट, एग्जांपल लैंड, एयर, वाटर, दिस ऑल आर एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट से मिल करके बनते हैं फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट, अब कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज फिजिकल एनवायरमेंट, तो फिजिकल एनवायरमेंट में शामिल होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के फिजिकल एनवायरमेंट बनते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है, एबायोटिक कंपोनेंट जो है वह उनसे मिलकर के फिजिकल एनवायरमेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? फिजिकल एनवायरमेंट बनते हैं। तो फिजिकल एनवायरमेंट बनते हैं किससे? एबायोटिक कंपोनेंट से। और एग्जांपल उसका क्या हो सकता है? एबायोटिक कंपोनेंट है क्या? नॉन लिविंग एलिमेंट। नॉन लिविंग एलिमेंट क्या है? नॉन लिविंग एलिमेंट के एग्जांपल है वाटर, लैंड, एयर, दिस ऑल आर नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। और एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं कि फिजिकली ये और ये नेचुरल एनवायरनमेंट इन दोनों से मिलकर के बना है, बायोटिक कंपोनेंट से भी और एबायोटिक कंपोनेंट से भी। यानी एबायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट दोनों से मिलकर के, यानी हमारा जो है फिजिकल नेचुरल एनवायरनमेंट है, ऑफकोर्स आप उसमें होगा एयर होगा ही, लैंड होगा ही, वाटर होगा ही, प्लांट होंगे ही, एनिमल्स होंगे ही, ह्यूमन बींग्स होंगे ही, इन सभी को मिक्सअप करके आपका नेचुरल एनवायरनमेंट बना हुआ। या फिर उसे कह सकते हैं दूसरे तरीके से, इसको बोल सकते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों मिलकर के नेचुरल एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी बनाते हैं। आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट हमने बताया, फिर से देख लेते हैं उसमें क्या है। तो आपने बोला कि उसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। एबायोटिक कंपोनेंट में लिथो आएगा, हाइड्रो आएगा, एटमो आएगा, एटमोस्फेयर आएगा, हाइड्रोस्फेयर आएगा, लिथोस्फेयर आएगा, और एबायोटिक में बायोस्फेयर आएगा। नहीं सॉरी, बायोस्फेयर नहीं, सॉरी, दिस इज अ प्लेस। तो लिथोस्फेयर हम लोग देख लेते हैं। इट इज अ सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फीयर क्रस्ट होता क्या है? एक ऊपरी लेयर किसी भी चीज का, जैसे प्याज की छिलका या फिर अंडे की छिलका, जो ऊपरी जो लेयर होते हैं, हार्ड जो लेयर होते हैं, वह अंडे की जो छिलके होता है उससे हम अंडे का क्रस्ट कर सकते हैं। यानी ऊपर का छिलका और जिसपे हम लाइफ करते हैं, हम रहते हैं, हमारा जीवन चलता है, वह पृथ्वी की ऊपरी परत है। और ऊपरी परत जो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसे हम कह सकते हैं क्रस्ट। अंडे का जैसे ऊपरी परत परत है, ऊपर का छिलका है, उसी तरह पृथ्वी का ऊपरी जो परत है उसे हम कह सकते हैं पृथ्वी का क्रस्ट। इट इज अ सॉलिड क्रस्ट। और यह सॉलिड फॉर्म्स में होता है और ये हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। और ये हार्ड होता है और टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ये एक ऊपरी परत होता है, लेयर मतलब परत होता है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक, और यह चट्टानों का बना होता है, एंड मिनरल्स, और ये मिनरल्स के भी बने होते हैं। कौन? क्रस्ट। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर इट इज सॉलिड क्रस्ट। ये सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड टॉप लेयर है, और हार्ड टॉप लेयर ऊपर का लेयर है, ऊपर का परत है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का। इट इज मेड अप ऑफ रॉक, ये चट्टानों के बने होते हैं, एंड मिनरल्स, और मिनरल्स होते हैं वहाँ पे, एंड कवर्ड बाय द थिनी लेयर्स ऑफ द सॉइल, और ये ढके होते हैं छोटे 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 पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स के, सॉइल्स से ढके होते हैं। इट इज इरेगुलर सरफेस विथ, इट इज इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स, और यह इनके जो लैंडफॉर्म होते हैं, पृथ्वी के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, इरेगुलर होते हैं। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि इसकी
ये जितने भी जमीन है पृथ्वी की, ये सब इस प्लेन है, प्लेन फोर्स नहीं है। आप चलते जाइएगा अगर, तो 1 किलोमीटर, 50, 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर चलते, अगर चलते जाते हैं तो कहीं भी पहाड़ मिलेगा, कहीं रिवर्स मिलेंगे, कहीं खाई मिलेगा, कहीं चढ़ाव मिलेगा, कहीं मतलब अलग अलग फॉर्म्स, लैंडस्केप फॉर्म्स मिलेंगे। तो वही चीज का है कि इरेगुलर फॉर्म्स में वेरी करते हैं लैंड फॉर्म्स, लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज आएंगे, प्लेन्स आएंगे, वैलीज आएंगे, ईटीसी, ये सभी चीज यहाँ पाए जाएंगे, बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। वही ना कि, ये कहने का मतलब बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर्स, ना कि ये लैंड में ही, मतलब ऊपर कॉन्टिनेंट में ही, ओशंस के भी जो पार्ट्स हैं, जो आप कहते हैं 21% लैंड है, और उसके अलावा जो भी है आप पृथ्वी वाटर में चला जाता है, ये जो क्रस्ट जो है वाटर के अंदर, जो ओशंस के नीचे भी है, जो लेयर पृथ्वी के ओशंस के नीचे जो है, जहाँ पे पानी में डूबने के बाद आपको जहाँ पे पानी टच कर पाइएगा, वहाँ का भी फॉर्म देखिएगा तो पिक्चर, तो वहाँ पे भी ऊंचा नीचा या फिर कम बेसी हाइट, मतलब वेरिएशन होगा लेयर्स ऑफ अर्थ का, यानी क्रस्ट का। ओके, इट प्रोवाइड अस क्रस्ट, लिथोस्फीयर जो है, इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ये हमें फॉरेस्ट पर जंगल प्रदान करता है, ग्रासलैंड और घास वाले एरिया, क्षेत्र, मैदान प्रदान कर देता है, लैंड्स, जमीन देता है फॉर एग्रीकल्चर, यानी खेती के लिए हमें जमीन देता है, एंड ह्यूमंस सेटलमेंट्स, और इंसानों को रहने के लिए, घर बनाकर जीवन बिताने के लिए वो हमें जगह देता है। इट ऑल्सो गिव अस मिनरल्स वेल्थ, और यह हमें मिनरल्स भी देता है, जैसे कोई भी मेटल्स है या फिर कोई भी चीज है, ये सारे चीज हम इसी ऊपरी क्रस्ट में ही, यानी लिथोस्फीयर में ही पाते हैं, ये सारे लेयर्स में ही, लिथोस्फीयर के ही भाग में, यानी क्रस्ट के ही में ही पाया करते हैं। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर की तरफ। इट इज द डोमेन्स ऑफ द वाटर, इट इज द डोमेन्स ऑफ वाटर, यह हाइड्रोस्फीयर हमने बताया था, हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, और स्फीयर मतलब पानी वाला क्षेत्र जो भी है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, और ये वाटर का ही क्षेत्र है, वाटर से कवर होता है। इट इज कंपाइज वेरियस, सॉरी वेरियस तो बार लिख दिया गया है, इट कंपाइज वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर, यह बहुत अलग अलग प्रकार के सोर्सेस ऑफ वाटर से बना, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, और अलग अलग प्रकार के वाटर बॉडीज से मिलकर के बना हुआ है, लाइक ओशंस, लैक्स, ओशंस, लैक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, एंड सम महासागर, समुद्र, सीज, लैक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सभी चीजों से मिलकर के यह हाइड्रोस्फीयर्स का फॉर्मेशन हुआ है। आगे देखते हैं एटमोस्फियर। एटमोस्फियर, एटम मतलब एयर, जहाँ पे एयर का पोर्शन हो उसे एटमोस्फेयर कहेंगे, भाग है जो हमारा पृथ्वी, हमने पहले बोला कि कंबल, जैसे कंबल से आप ढक के सोते हैं उसी तरह पृथ्वी भी कवर है एक एयर के लेयर से, और इट इज द, और ये चारों तरफ से ढका हुआ है ये लेयर से, और हमारा पृथ्वी, इट इज द थिन लेयर ऑफ एयर, और यह एक लेयर से ढका हुआ है, डेट सराउंडेड विद द अर्थ, और ये एयर जो है सराउंडेड है, चारों तरफ घिरा हुआ है पृथ्वी को, ये चारों तरफ घिरा हुआ है। द ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ होल्ड द एटमोस्फेयर अराउंड इट, यहाँ पे कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है, आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मतलब समझ सकते हैं, वैसा फोर्स, वैसा शक्ति, ऐसा पावर जो किसी भी चीज को आप ऊपर से गिराएंगे तो वह चीज नीचे ही गिरेगा, यानी नीचे जमीन के ऊपर आएगा, उसको आसानी तरीके से यही समझा जा सकता है, जो भी चीज आप ऊपर से छोड़ते हैं, कहीं से भी आप ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं तो नीचे गिरेगा, वो फोर्स जो नीचे, चुंबकीय शक्ति जो पृथ्वी का है, जो नीचे अपने
घींच लेता है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आते हैं तो वही उसी तरह का एक फोर्स है जो एटमोस्फियर को अपने एरिया में कैप्चर करके रखता है, अपने क्षेत्र में कवर करके रखता है कि वह जब पृथ्वी का रेवोल्यूशन और होता है तो बहुत ही तेज स्पीड में अर्थ, मान लीजिए ये एग्जांपल ये सन है और इसके चारों तरफ अगर ये मान के चलिए पृथ्वी घूमते जा रहा है तो यह घूमने में जो भी है समय लग रहा है ये तेज, बहुत ही तेज स्पीड में चलता है। मगर यह एयर, आप सोचते होंगे कि एयर बहते रहता है, चलते रहता है तो उसके चलते वो कहीं और चला जाएगा, नहीं, इसका एक लिमिट एरिया है और यह एरिया ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वह पृथ्वी के चारों तरफ ही रहता है। उस जिस स्पीड से वो एयर क्या कहते हैं पृथ्वी घूमता है उस हिसाब से वो पृथ्वी के साथ साथ वो जो ब्लैंकेट है एयर का वो पृथ्वी को ढकते हुए आगे भी बढ़ते जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम इस पर डीपली उस पॉइंट पे नहीं फोकस कर रहे हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ होल्ड द एटमोस्फेयर अराउंड इट, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है जो एटमोस्फेयर को अपने तरफ चुंबकीय शक्ति की तरफ खींचा रहता है और अपने उसको पकड़ के रखता है कि वो मेरे अपने साथ ही रहे, उसके साथ ही रहे। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज, और यह हमें प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज, और एटमोस्फियर जो है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से या फिर कोई भी किरण सूरज के प्रकाश का अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। इट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, और यह एटमोस्फियर बहुत अलग अलग तरह के गैसों से मिक्सअप से बना हुआ है। गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर, और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं एंड वाटर वेपर भी होता है, यानी भाप, पानी का भाप भी होता है। चेंजेस इन एटमोस्फियर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट, चेंजेस इन एटमोस्फियर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। जब एटमोस्फियर में चेंजेज होगा तो एटमोस्फियर में अगर कोई चेंजिंग होगा यानी वातावरण में कोई चेंजिंग होगा तो इट प्रोड्यूस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर में भी चेंजिंग होगा और क्लाइमेट में भी चेंजिंग, मतलब एटमोस्फेयर यानी वातावरण में और कोई भी चीज़ का चेंजिंग होता है, हमारे आसपास में कोई भी चीज़ का चेंजिंग होगा तो उसमें चेंजिंग होगा वेदर में और क्लाइमेट में। आप देख सकते हैं अभी लॉकडाउन के चलते पॉल्यूशन लेवल दिल्ली का या फिर अच्छे अच्छे जगहों में अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बहुत ही काफ़ी कम हो चुका है, और ड्यू टू चेंजिंग इन एनवायरमेंट, जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो था, ह्यूमन एनवायरमेंट था और जो इसको कुछ दिनों के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो एक्टिविटीज बंद हो चुके हैं जिसके चलते ये जो पॉल्यूशन होते थे वो बंद हो चुके हैं, और उसके चलते हमारे आसपास के वेदर में, दिल्ली में इसको समझ में आएगा, यहाँ पे तो नहीं, दिल्ली में लोगों को कह रहे हैं कि क्या कहते हैं वहाँ पे अब सांस लेने में जो प्रॉब्लम होते थे, सांस लेने में जो प्रॉब्लम था वो सारे चीज़ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो गया है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। पर हाँ, लॉकडाउन उन्हें बर्दाश्त नहीं है। चेंजिंग इन एटमोस्फियर प्रोड्यूस चेंजिंग इन वेदर एंड क्लाइमेट, और वेदर एंड क्लाइमेट, अब वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। वेदर यह शॉर्ट टाइम्स के लिए होते हैं, वेदर शॉर्ट टाइम्स के लिए होते हैं, वेदर कह सकते हैं सीजन जैसे जैसे चेंज होते हैं, 2 महीने 3 महीने वह उसे हम आप कह सकते हैं कि 2 महीने के बाद कोई चेंजिंग हुआ, ठंड के बाद गर्मी आया, गर्मी के बाद बरसात आया, ये 2-3-4 महीने के बाद जो चेंजिंग हो रहा है वह टाइमिंग है शॉर्ट टाइम के, 2-3 महीना वो मैटर नहीं करता है, मगर ये वेदर के पार्ट हो गए। मगर अब आता है क्लाइमेट, क्लाइमेट है क्या। जैसे क्लाइमेट का एग्जांपल हम देख सकते हैं डेजर्ट जोन में, अब रेगिस्तान में जाइए और वहाँ कहिए कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ वेदर नहीं पूछना है, वहाँ क्लाइमेट ही है हॉट,
गर्म, वहां का क्लाइमेट है गर्म, यानी वो फिक्स है कि वो कितने सालों से या कितने दिनों से वहां का वेदर क्लाइमेट जो है वो लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से वहां पे कोई चेंजिंग नहीं आया क्लाइमेट में, और फर्दर जो भी हो चेंजिंग हो बाय डिफॉल्ट, मत अभी फिलहाल जो नहीं है, तो हर एक जगह का अलग अलग क्लाइमेट होता है, वेदर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बायोस्फीयर की तरफ। बायोस्फीयर है क्या? द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अप द बायोस्फीयर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक अप द बायोस्फीयर। और ये प्लांट एंड एनिमल्स जो हैं वे एक स्पेस को फॉर्मेशन करते हैं, मिक्स करते हैं। देखते हैं कैसे। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंट्रैक्ट। हमने इसको पहले क्लासिक्स में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक है डायग्राम, बुक में दिखाता हूँ, इस बुक में देखिए आप। देखिए ये एटमोस्फियर है, ये हाइड्रोस्फियर है, ये लिथोस्फियर है। और मैंने इस तरह से पिछले क्लास में आपको बताया था एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और लिथोस्फियर। एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर, ये तीनों मिलकर की जो आर्क जो बीच में काट रहे हैं, सॉरी, एटमोस्फियर, ये मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, और ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, और ये हो गया लिथोस्फीयर। ये तीनों मिलकर के ये बीच में जो कटिंग कर रहे हैं, और ये जो एरिया बनता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है और लिथोस्फीयर भी है, वो तीनों के बीच वाला जो पार्ट है वो है बायोस्फीयर, जहाँ तीनों चीज अवेलेबल हो, यानी एयर भी हो, पानी भी हो, जमीन भी हो, वैसे जगह ही लाइफ हो सकता है, लाइफ सरवाइव कर सकता है, वहाँ पे बेहतर तरीके से चल सकता है। और इस पिक्चर में भी उस तरह से समझाने की कोशिश किया गया था, जहाँ पे तीनों के बीच में जहाँ पे लाइफ सिस्टम चल सके वो बायोस्फीयर है। विद अदर म्यूजिक सपोर्ट इच सपोर्ट द लाइफ। और यहाँ पे बोल रहा है यहाँ फिर, इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद इच अदर टू सपोर्ट लाइफ। हमने बताया कि वैसा जगह जहाँ पे वो तीनों को मिलने के बाद एक ऐसा जगह का फॉर्मेशन होना, वैसा जगह बन जाना जहाँ पे तीनों चीज एटमोस्फियर, लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर तीनों हो, यहाँ हवा, पानी और जमीन तीनों हो, तो वहां पे लाइफ सर्वाइव आसानी से हो पाएगा। अब आते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम, ऑल प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमंस बींग्स डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सभी प्लांट्स जो हैं, जानवर्स हैं और ह्यूमन इंसान जो हैं, वह डिपेंड होते हैं आसपास की जो इन्वायरमेंट है उस पर। और वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं मुझे अगर भूख लगा है या फिर मुझे सांस लेनी है या फिर मुझे कुछ करना है तो मैं, या फिर मुझे पानी पीना है तो मैं यहाँ से कुदरा में हूँ तो मैं जाकर के कलकत्ता में जाकर पानी पीऊंगा या बनारस में जाकर पानी, या फिर खाने के लिए बनाया जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां की लोकलिटी या फिर नियरेस्ट जो भी चीज होगा वहां पे वो फर्स्ट हम जाएंगे और वहां पे उसको लेंगे, ग्रीन करेंगे, पाएंगे और जो भी ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑल द प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जो नियरेस्ट जो होगा, जो इमीडिएट हमें मिल सकता है, तुरंत मिल सकता है, उस सराउंडिंग के पास हम जाएंगे। और सराउंडिंग ही हमारे एनवायरमेंट है, जो भी हमारे चारों तरफ जो चीज है एनवायरमेंट का पार्ट है। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट।
दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन इच अदर फॉर फूड एंड एयर, और ये सभी एक दूसरे पे आश्रित हैं। प्लांट पे हम आश्रित हैं और एनिमल्स जो है या फिर हम सभी प्लांट का आश्रित है और प्लांट हम पे आश्रित है। ये साइकिल को हम आगे बताते हैं कैसे डिपेंडेंट है, हम लोग सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और आश्रित है, कैसे आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एंड इकोसिस्टम, और वो साइकिल को हम समझाएंगे यहाँ पे। तो देखिए कैसे वो डिपेंडेंट है, पहले इसको हम देख लेते हैं। प्लांट, एयर की बात करते हैं हम लोग, हवा तो है, मगर हवा प्लांट के लिए भी जरूरी है, एनिमल्स के लिए भी जरूरी है। मगर प्लांट लेता क्या है? प्लांट लेता है CO2। प्लांट लेता क्या है? CO2। और रिलीज क्या, छोड़ता क्या है? रिलीज क्या करता है, छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। लेता क्या है? CO2। और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। उसी तरह अपोजिट साइड में एनिमल्स को देखते हैं, तो एनिमल्स क्या लेता है? ऑक्सीजन और छोड़ता क्या है, और एनिमल्स रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और लेता क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट लेता है ऑक्सीजन मगर एनिमल छोड़ता है ऑक्सीजन, यानी ये इसको देता है और ये छोड़ता है ऑक्सीजन और लेता क्या है? एनिमल्स ऑक्सीजन। ये आप यहाँ पे चैन को समझ सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। आगे देखते हैं फूड, भोजन। तो फूड आता क्या है, कहाँ से है? फूड हमें प्लांट से, ट्रीज से पाए जाते हैं, पेड़ पौधे से पाए मिलते हैं, और वो पेड़ पौधे का ग्रोथ होता कहाँ से है? या तो हमें चाहिए सनलाइट, सॉयल और या तो एयर, ओके, या तो हवा चाहिए, सनलाइट चाहिए, सॉयल चाहिए, मिट्टी चाहिए। ये तीनों अगर होंगे तो हमारा प्लांट जो होगा अच्छे से बड़ा हो सकता है और ये इसमें ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सर्वाइव करेगा, सर्वाइव का अच्छी तरह से सुचारू ढंग से वो चल बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ करेगा। तो ये तो, मगर बात यहाँ पे नहीं आता है, ये तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं प्लांट जो है या ट्री है वो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस करता है। मगर ये जो भी चीज़ ग्रेन्स हो तो हम खाते हैं या फिर फ्रूट्स हो वो भी हम खाते हैं, मगर इसको खाने वाले प्लांट्स हैं या इनको घास को खाने वाले हैं, हमारे बगल में देखते हैं हार्बीबोरस। हार्बीबोरस जो होते हैं वह प्लांट्स को खाते हैं, हार्बीबोरस जो है वो प्लांट को खाते हैं, ओके। और ये प्राइमरी कंज्यूमर है, वो पहले कंज्यूमर है जो उसे प्लांट्स को खाते हैं। और यहाँ पे आते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस जो है वो हार्बीबोरस को खाता है, इट मीन्स जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन खाता है? हार्बीबोरस। हार्बीबोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस। और ये सभी जब डाइक होते हैं, मरते हैं, तो इसमें से वो सभी मिक्स किससे हो जाते हैं? सॉयल से, मिट्टी से, इसमें मिल जाते हैं मिट्टी में। और ये मिट्टी में मतलब मरने के बाद ये दफना दे या फिर उन्हें चला दे तो मिट्टी में मिल जाते हैं। और जो भी हमारी बॉडी में या एनिमल्स में मिनरल्स है या फिर जो भी है जी, उस फिर से मिक्सअप हो जाता है मिट्टी में, यानी सॉयल में मिक्सअप हो जाता है। और उसके बाद यह तब मिट्टी बन गया और यह साइकिल कंटिन्यूटी चलते रहता है और यह एक दूसरे से
डिपेंडेंट हो जाते हैं और ये चैन कंटिन्यू चलता रहता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमने बोला था दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ईच अदर फॉर फूड्स एंड एयर। हमने बोला था कि एक सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है खाने के लिए और एयर के लिए। दिस रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एंड एंड इको सिस्टम। और यह जो जो रिलेशन है, जो ये सिस्टम है उसे हम इको सिस्टम कह सकते हैं, जो सिस्टम को चलाने में जो मदद करता है उसे इको सिस्टम कह सकते हैं। देयर कुड बी एन इको सिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट के भी इको सिस्टम हो सकते हैं, ग्रास लैंड्स के भी हैं, डेजर्ट्स के भी हो सकते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स एंड इवन ऑल पॉन्ड्स, ये सभी के भी कुछ ऐसे सिस्टम हो सकते हैं जिससे वो कंटिन्यूटली चेंज होते हैं। जैसे बताने का मतलब कि सॉइल का फॉर्मेशन उनका एक सिस्टम्स है, वो पत्थर से मिट्टी बन जाना, वो सारी चीज़ को कंटिन्यूटी चेंजिंग उनका होता है, एक साइकिल है उनका भी, साइड चेंज चलते रहता है। आगे देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन हैव ऑल इंट्रैक्टेड एडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट। ह्यूमन हैज अलाउ और अलाउज इंट्रैक्टेड एंड एडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट। देखिए तो कहने का मतलब कि इंट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमें कह सकते हैं कि मान लीजिए बहुत काफ़ी गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है, तो हम उसको जब एहसास होगा तो हम उसको हाँ मुझे गर्मी लग रही है इस चीज़ को कह सकते हैं इंट्रैक्ट, मतलब हमें बस प्रभाव उसका हुआ, इफेक्ट हुआ, प्रभाव पड़ा हम पे, उसे हम कह सकते हैं इंट्रैक्ट। अब एडॉप्टेड, तो अब वो गर्मी हमें लग रही है या ठंड लग रही है तो उसको अब हम उसको बचने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे या कुछ व्यवस्था करेंगे और उसे हम अडॉप्ट कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, चलो जो है उसको तो एक्सेप्ट करना है कि वो है और उसको लाइफ में वो हम जिस जहाँ पे हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, करेंगे ही और वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके अनुकूलन हम बनना अनुकूलित होना चालू कर देते हैं। एंड मॉडिफाइड, और मॉडिफाइड हो जाएंगे, तीसरा स्टेप आता है मॉडिफाई, मतलब पहले हमने इंट्रैक्टेड हुआ, मतलब प्रभाव पड़ा, उसके बाद हम उसके अनुकूलन बनने की कोशिश किए और उसके बाद फाइनली हम मॉडिफाइड हो गए। मॉडिफाई मतलब अब बाहर कितना भी गर्मी हो या ठंड हो मेरे पास एसी है। मॉडिफिकेशन ये यहाँ हुआ कि मैं एसी अब अपने चैम्बर में लगा के रखा हूँ या अपने रूम में लगा के रखा हूँ, बाहर गर्मी हो या ठंड हो मुझे मैं देख लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह मॉडिफिकेशन, ये इन्वायरमेंट का मॉडिफिकेशन या ह्यूमन इन्वायरमेंट का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अर्ली ह्यूमंस जो थे, पहले के इंसान जो थे वे हंटर एंड गैदरर थे, वो पहले के जो इंसान थे हंटर और गैदरर थे, जो हंट करते, जो कि शिकार करना, हंटर मतलब होता शिकार का, हंट मतलब शिकार करते थे और गैदर करते थे, वो एक दूसरे को मतलब पहले के लोग के पास फसल नहीं होता था, खेती नहीं होता था, तो वो दूर दूर से जा करके किसी जानवर को मार करके उसे कलेक्ट करके गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे, या फिर फल हो या कोई भी चीज़ है उसे कलेक्ट करके गैदर करते थे, एक दो दिन के लिए उसको खाते थे, तो या दो दिन तीन दिन चार जो भी खाते होंगे वो हंटर और गैदर थे। दे अडॉप्टेड टू मेक इन्वायरमेंट एंड फुलफिल देयर नीड्स, और दे अडॉप्टेड और उसके बाद वो अडॉप्ट किए, उसके हिसाब से अनुकूलित हो गए, अडॉप्टेड हुए और वो टू द इन्वायरमेंट एंड फुलफिल देयर नीड्स, और उसके बाद धीरे 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 उस तरह से करते हुए अपने नीड्स को, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स था, जो भी उनका नीड्स था, उसको धीरे धीरे फुलफिल करना चालू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेटर ऑन द स्टार्टेड ऑफ मॉडिफाइड, जैसे ही ये मॉडिफिकेशन कुछ होता है, कुछ समय के बाद जब मॉडिफिकेशन होता है द एनवायरमेंट बाय ग्रोइंग क्रॉप्स, जैसे ही ये कुछ मॉडिफिकेशन होता है क्रॉप्स का उगना, यानी अनाज फसल का उगना, पहले अनाज नहीं उगता था, कुछ 12
साल पहले, 12,000 साल पहले कुछ पृथ्वी में जो भी चेंजिंग आए होंगे उसके चलते फसल होने लगे। पहले मतलब अनाज जो गेंस थे उस टाइप के फसल पहले नहीं हो पाते थे, मगर वो 12,000 साल पहले जो चेंजिंग हुए वो उसके चलते वो फसल्स का ग्रेन्स पैदा होना चालू हुआ। और उसके बाद वहाँ के जो हंटर गैदरर थे या फिर वो मॉडिफाई हुए और धीरे धीरे वो उस चीज़ को समझे और वो फसल ग्रेन्स को उपजाना चालू किए। और जैसे ही उनको जो समय उनका गैदर करने में हंटिंग करने में जो समय जाता था, अब वह उनका समय बचने लगा क्योंकि उनके पास जानवर को मार करके 1-2 दिन ही खा सकते थे या फल को तोड़ के लाते थे तो 1-2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या 7 दिन खा सकते थे, बहुत खा सकते थे। मगर यहाँ पे ग्रेन्स को 6 महीने, साल में, साल भर, 1.5-2 साल तक ही भी रखा जा सकता था, जिनके पास बहुत काफी समय बचने लगे। तो उसके बाद उनको सीखने के लिए या फिर गेट करने के लिए बहुत सारा चीज उनको समय मिला। तो क्या हुआ आगे, ग्रोइंग क्रॉप, और वो उसके साथ साथ और क्या करने लगे, तब डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स करने लगे, एनिमल्स को पालने लगे, एंड लीडिंग लीडिंग सेटल्ड लाइफ एंड लीडिंग सेटल्ड लाइफ देन कम फ्रॉम सरप्लस फूड्स, एंड वो सेट अपने लाइफ को सेटल करने लगे और उस सरप्लस फूड मतलब अच्छे तरीके से स्टोर करके रखने लगे खाने को। तो पहले कोई स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था, जो भी गैदर करके फूड्स लाते थे तो फुल्ली तरह से उसको स्टोर करके रखना चालू कर दिए, उन्हें एकत्रित करके रखना चालू कर दिए और उसे सीखने लगे। बेटर सिस्टम का मतलब होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे चावल का फसल किए हैं, कोई गेहूं का फसल किया है या कोई दाल का फसल किया है, तो 1 किलो चावल के बदले में मैं किलो, मान लीजिए हमने फसल किया चावल का और मान लीजिए दूसरा राम नाम का लड़का जो है वो फसल किया है गेहूं का, तो हम 1 किलो चावल दे करके 1 किलो गेहूं ले लेना, यानी एक्सचेंज करना। ये सिस्टम वहाँ पे हम पहले के लोग धीरे धीरे सीखने लगे, ट्रेड 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 करने लगे, यानी बिजनेस का काम चालू, ट्रेडिंग करने लगे, कॉमर्स और साइंटिफिक रेवोल्यूशन होने लगा और मतलब बिजनेस करने लगे, व्यवसाय करने लगे, प्लस साइंटिफिक रेवोल्यूशन होने लगा, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन उसके बाद हुआ, इंडस्ट्री का फिर फॉर्म मतलब यानी करने का मतलब धीरे 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 हम लोग मॉडर्न होने लगे, धीरे धीरे बहुत मॉडर्न होने लगे, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, अब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, तो कुछ ही समय हुआ जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की तरफ हम लोग अग्रसित हुए हैं। और ये कहाँ तक जाएगा इसका कुछ सोचा नहीं जा सकता है, देखते हैं आगे। द बैलेंस इन इज नीड बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। और इसके साथ साथ यही चीज तो ठीक है, हमको ये पढ़ना आगे बढ़ना ये जरूरी है, हम लोगों को विकसित होना, ह्यूमंस को ह्यूमन एनवायरनमेंट को डेवलप करना जरूरी है, और उसके साथ साथ बैलेंस भी होना चाहिए। वातावरण में एनवायरनमेंट में जो भी चीज अगर बैलेंस नहीं होगा तो उसका प्रॉब्लम हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बैलेंस इज नीड टू बिटवीन द नेचर्स एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, ब्रैकेट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाना जरूरी है, सामंजस्य बनाना जरूरी है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन हार्मोनियस वे, मतलब इंसानों को जरूर सीखना चाहिए हार्मोनियस वेज में, मतलब एक सही सुचारू, मतलब एक दोनों बस सामंजस्य बना करके, एक दूसरे के तालमेल बना करके, आखिर कैसे हमारा विकास भी हो, ह्यूमन बींग्स का विकास भी हो बिना नेचर को डिस्टर्ब किए हुए। ऐसा अगर नहीं होता है तो फर्दर हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इस चीज को मान करके हमें आगे इस चीज को कार्य करना है होगा। सो डैट ह्यूमन फुल डेवलप विदाउट डिस्ट्रॉइंग नेचर, बिना डिस्ट्रॉय किए इसे काम करना चाहिए, वही चीज हमने बोला, एज आवर ओन एनवायरनमेंट इवेंटली डिपेंड्स ऑन द नेचुरल नेचुरल एनवायरनमेंट। और अंत में कह सके जाए ओन हमारा भी इन्वायरमेंट जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड है, मतलब कह सकते हैं फाइनली यू कैन से
आवर एनवायरनमेंट इज डिपेंडेंट ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। आखिरी में हम आपको बताना चाहते हैं, 5 जून जो है, 5 जून एवरी ईयर इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा संक्षिप्त में हम किताब को भी देख लेते हैं, उससे अधिक आपको टॉपिक बता चुके हैं, पर किताब का एक सर आपने नहीं पढ़ा है। आगे देखते हैं, हमने बोला नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट हमने बताया था फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से मिलकर के बना होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट होता क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट का ये इंक्लूड्स होते हैं फिजिकली और बायोलॉजिकल। तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? हमने फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए बताया था आपको एबायोटिक कंपोनेंट्स से जो बनते हैं, हमने यहाँ बताया था इस टॉपिक को देखिए ध्यान अगर आपको होगा तो। एबायोटिक कंपोनेंट इट इज कंप्राइजेस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक कंपोनेंट इस टॉपिक को हमने बताया था, एबायोटिक कंपोनेंट इट इज कंप्राइजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट एंड एबायोटिक कंपोनेंट इट इज कंप्राइजेस ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड लैंड। तो हमने बताया था यहाँ पे इस चीज को कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है एबायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ होता है। वो एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग, और एग्जांपल कौन सी चीज है नॉन लिविंग थिंग्स है? लैंड्स है, वाटर्स है एंड एयर्स है, ये फिजिकल एनवायरनमेंट है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बायोटिक कंपोनेंट जो है, जो बायोटिक कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में हमने एग्जांपल आपको दिया था प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर के नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाते हैं, या फिर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट मिलकर के नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट पे आते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट इट इज़ फॉर्मड बाई ह्यूमन बींग्स, और ये ह्यूमन एनवायरनमेंट इंसानों के द्वारा बना हुआ है। ह्यूमन एनवायरनमेंट बींग फॉर्म बाय द ह्यूमन बींग्स, और ये इंसानों के द्वारा बना, हमने पहले भी बता दिया था, एग्जाम्पल रोड, ब्रिज, ये जो भी चीज़ है, ये सारे चीज़ इंसानों के द्वारा बना हुआ है। हम इसमें पहले के टॉपिक में हमने इस चीज़ को बता दिया था, यहाँ पे ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स, रोड, पार्क, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स, ये सभी ये क्या कहते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। और हमने आगे भी बताया था उसमें कि इंडिविजुअली, फैमिली, कम्युनिटीज, रिलीजियस, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यहाँ पे भी दिया हुआ है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशन इन विच वी ही लिव्स, वो भी पार्ट है ह्यूमन एनवायरनमेंट का। ये सभी भी पार्ट है ह्यूमन एनवायरनमेंट का। आगे बढ़ते हैं, देयर इज ए इंटरडिपेंडेंट ऑफ टू कॉम्पोनेंट। हमने बताया कि ये दोनों जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट आश्रित है। मैंने आपके भी बताया था कि आपको ये चीज़ आपको दिखाते हुए चैन जो साइकिल हमने बताया था, इसमें हमने बताया था कि ये दोनों है, सभी ह्यूमन एनवायरनमेंट में ह्यूमन आते हैं और वो डिविन ऑर्गेनिज आ गए, और नेचुरल में हमने आपको बताया एयर आ जाएगा, सॉयल आ जाएगा, एयर सॉयल और वाटर तो पूछना ही है, तो ये सभी मिलकर के ये बनाते हैं। तो वो डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट, हमने बताया फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। फिजिकल एनवायरनमेंट सस्टेन्स द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और ये जीवित रखते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट जीवित रखते हैं, यानी हवा पानी और जमीन, लैंड, ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को सुचारू तरीके से जीवित रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिपेंड्स ऑन इट। तो इकोसिस्टम के हमने बारे में बताया था कि इकोसिस्टम कंपलसरी है, अगर नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगा तो उसके चलते हम लोगों को दिक्कत होगा, और ये सिस्टम को चलाने के लिए हमने इको सिस्टम यहाँ पे टॉपिक को बताया है, आप उसको देख सकते हैं, विशेष हम नहीं बताएंगे। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन द
देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग, और ये एक दूसरे के नियर सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं। द ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिपेंड्स ऑन द ईच अदर ऑफ शेयर्ड सपोर्ट्स एंड फूड्स रिक्वायरमेंट। ये सभी चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब वही चीज़ कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसको करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ आपको जो हमने बताया वहाँ पे अपने नोट्स में, उससे अधिक ही हमने बता दिया ये सारे चीज़ आपको। उससे आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होते हैं, वह बन होते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों से मिलकर के बने होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है प्लांट और एनिमल्स, यानी एबायोटिक कंपोनेंट क्या है प्लांट और एनिमल्स, यानी बायोटिक मतलब जीव जो जीवित हैं। बायोटिक कंप्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो प्लांट और एनिमल आ जाएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट कंप्रेसेस एयर वाटर एंड सॉयल, और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के उनके एग्जाम्पल होंगे एयर वाटर एंड सॉयल, हम इस चीज़ को बता चुके हैं। डोमेन्स ऑफ द अर्थ, डोमेन्स ऑफ द अर्थ में आ जाते हैं फोर, दे आर फोर डिफरेंट मेजर डोमेन्स ऑफ द एनवायरमेंट, लिथो एटमो हाइड्रो एंड बायोस्फीयर, इसके बारे में हमने बता दिया है। लिथोस्फीयर के भी बारे में हमने बताया है, हाइड्रोस्फीयर के भी बारे में हमने बता दिया है, एटमोस्फीयर के बारे में भी बताया और बायोस्फीयर के भी बारे में हमने इसमें सारांश में बता दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा ह्यूमन में भी आ जाते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट में भी अगर देखते हैं तो ह्यूमन डोमिनेट द प्लांट अर्थ, ह्यूमन डोमिनेट कर रहा है प्लांट प्लानट अर्थ पे। आपको हमने बोला कि ये डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और हावी होंगे जो पृथ्वी पे, तो अंत में जो नेचर्स है वो सपोर्ट नहीं करेगा और आखिरी फाइनली हमें प्रॉब्लम्स होंगे। आगे देखते हैं, दिस इज अ वे दे फॉर्म्स द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, और वो बहुत सारे फॉर्म्स करते हैं इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट पार्ट्स, मतलब ह्यूमंस जो है बहुत तरह अलग अलग पार्ट्स को करते हैं और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले भी करते हैं, मगर उसके चलते वो बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ को डिस्ट्रॉय भी करते हैं नेचर्स को। आगे देखते हैं, मेनी चेंजेस टू प्लेस इन आवर एनवायरनमेंट, बहुत सारे चेंजेस प्लेस हुए हैं एनवायरनमेंट विच मोस्टली ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटी। मेनी चेंजेस टू प्लेस इन एनवायरनमेंट, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं वातावरण में, बहुत सारे चेंजिंग नेचुरल एनवायरनमेंट में या एनवायरनमेंट में बहुत सारे चीज़ की चेंजिंग हो चुके हैं ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस, इंसानों के कार्य के बेस पे, इंसानों के एक्टिविटीज़ के बेस पे। और ये सारे चेंजेस जो हमने पहले भी बताया कि आपको बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, या फिर वो सारे चीज़, वही सेम चीज़ को रिपीट करना अच्छा नहीं है। हम आगे सोचेंगे, हमें लग रहा है कि आपको समझ में इस लेसन पर आता है, वही सारी चीज़ को रिपीट किया गया है और ये लेसन इसके बाद आपका समाप्त हो जाता है। और ये है, आप इसको ऐसे हम फोटो भेज देंगे आपके पास और इसको बना लीजिएगा, पीडीएफ फाइल भेज देंगे आपके पास। थैंक यू।